अप्रोच में ड्राइव एक लगातार चल रही ड्राइव है, कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। और इसमें आपको मालूम होगा कि हफ्ता 10 दिन पहले 333 कनाल लैंड रिट्रीव की गई थी, और रिट्रीव करने के लिए जो डायरेक्शंस हैं वो एलजी साहब ने क्लियर बताई हैं, आप लोगों को भी पता है, उन्होंने मीडिया के सामने भी बताई हैं। तो उसी जैसे डायरेक्शंस दी हैं गवर्नमेंट ने, उसी वही मॉड्यूल पूरा मॉडल वैसे ही फॉलो किया जा रहा है। सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह भी कहा कि किसी गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा, तो इस तरह की कोई डायरेक्शन आपके पास है? बिल्कुल यही डायरेक्शन है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दी है कि किसी भी लैंडलेस को, किसी भी गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा। बल्कि जो इन्फ्लुएंशियल या जिन्होंने जो स्टेटमेंट है उनकी आपको मालूम ही है, तो उसी जो गाइडलाइंस हमें दी गई हैं उसी पर हम चल के जो रिट्रीवल का प्रोसेस चल रहा है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ देखी जा रही है कि लोग खुद सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों की सपोर्ट है। आप देखें ईदगाह में, सेंट्रल शाल्टिंग में, जहाँ जहाँ एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई है, लोग खुद सामने आए हैं, लोगों ने कंप्लेंट की है, और उस कंप्लेंट पर अमल करते हुए हमने उसको एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला के ज़मीन रिट्रीव की है, जो पब्लिक पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल होगी।